हिजबुल कमांडर नबीब बाबू समेत तीन आतंकियों के साथ गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह से अब डीजीपी मेडल तथा प्रमाण पत्र भी वापस ले लिया गया है। सोमवार को डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस आशय का आदेश जारी किया। 31 दिसंबर 1998 को उसे ये मेडल दिया गया था। इससे पहले गत बुधवार को 2018 में दिया गया बहादुरी पुरस्कार वापस ले लिया गया था। किसी भी शहर या फिर गांव के विकास का मूल आधार सड़क है। सड़क होगी तो विकास होगा और बिना सड़क के विकास संभव नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब यहां भी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। ये बातें केंद्र सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने जनसंपर्क अभियान के तहत टिकरी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के संपर्क कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर दौरे पर आए कुल 36 केंद्रीय मंत्रियों में से केवल 5 मंत्री ही कश्मीर का दौरा करेंगे। इन मंत्रियों में केंद्रीय दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री श्रीपद नायक और जी किशन रेड्डी शामिल हैं। मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से बड़ा झटका लगा है। IMF के अनुमान के अनुसार 2019-20 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की बढ़त दर केवल 4.8% रहेगी। IMF के इस अनुमान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल का कहना है कि मोदी सरकार के मंत्री अब IMF और मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ पर हमला करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फरवरी में भारत दौरे पर आ सकते हैं। इस खबर से पाकिस्तान में बेचैनी का माहौल है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे को लेकर चिंतित हैं। इमरान पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप भारत जाते या लौटते समय कुछ देर के लिए पाकिस्तान में भी ठहर जाएं, पर ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि इमरान को इसलिए भी ज्यादा चिंता है क्योंकि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं उनकी कोशिश रही है कि ट्रंप एक बार पाकिस्तान का दौरा भी कर लें। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने केरल के मलप्पुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए कश्मीर को लेकर भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा के नेताओं को विश्वासघाती, देशद्रोही और एक कायर तक बता दिया। उन्होंने कहा कि ये नेता खुद को जनता का प्रतिनिधि बताते हैं। यदि ऐसा होता तो वो कई साल पहले चुन गए होते। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन दिल्ली में टूटने से पंजाब की सियासत पर इसका काफी असर पड़ेगा। बेशक अकाली दल की तरफ से दिल्ली में चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र में भक्ति और आस्था का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिला है। मुंबई में स्थित लोकप्रिय सिद्धि विनायक मंदिर में एक श्रद्धालु ने 35 किलो सोना दान दे दिया, जिसके बाजार में कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए है। बता दें कि ये मंदिर मुंबई के अमीर मंदिरों में से एक है। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सोमवार देर रात राज्य में 3 राजधानी बनाने के संबंधी बिल को मंजूरी दे दी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद YS जगन मोहन रेड्डी सरकार ने यह बिल विधानसभा में पेश किया था। इसके अनुसार विशाखापट्टनम को कार्यकारी, अमरावती को विधायी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। देश भर में 1 जून 2020 से एक देश एक राशन कार्ड स्कीम लागू हो जाएगी। केंद्र मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उपभोक्ता एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम 1 जून से इस योजना को देश भर में लागू करेंगे। लखनऊ में CAA और NRC के खिलाफ घंटाघर पर 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ठाकुरगंज पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए शायर मुनव्वर राणा की 2 बेटियों सहित 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ठाकुरगंज थाने में 3 अलग अलग मुकदमों में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें रास्ता जाम कर प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल करने, धारा 144 का उल्लंघन व बलवा का मुकदमा दर्ज किया गया है।